2015 से लेकर 17 तक 96 तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब, हमारे गुटका साहब के अंग फाड़ के फेंके गए थे, पेद भी हुई थी। 5 हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं वो भी फाड़े गए थे, कुरान शरीफ फाड़े गई थी, बाइबल फाड़े गए थे। तो जब हम आए, हमने सोचा कि ये इसका तो हमें पता करना पड़ेगा कि कारण क्या है और किसने करवाया है, और इसका पूरा आप पड़ताल करके इसको बड़ी हम बड़ी तेज़ी से इसको ले जाना चाहते हैं आगे, ताकि पता लगे लोगों को कि कानून नहीं तोड़ सकते। और इस किस्म की बातें कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, ये बिल्कुल गलत बात है, हमें इसके हक में, और हम चाहते हैं कि इसका पता लगे। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई, उसमें उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ था, एक मेन टीम, मेन इन्वेस्टिगेशन किस बात की हुई कि जब ये चल रहा था तो कोटकपूरा में और बरगाड़ी में, बैबलकला में, वहाँ लोगों का इकट्ठ हो गया, बहुत देर से बैठे थे। तो इन्होंने जाके पुलिस ने उन पे अंधाधुंध फायर कर दिया, 2 आदमी मार दिए और 17 के करीब जख्मी कर दिए। और हम जानना चाहते थे ये पुलिस फायरिंग क्यों हुई, कैसे हुई, ये भी इसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखना था। और जिसने गलती से फायरिंग की है, बगैर किसी ने बताया इन्होंने फायरिंग की है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल होएगा कि किसी ने इनको हुक्म दिया, किसने हुक्म दिया, वो जिम्मेवार होगा इस बात का। तो ये बातें हम इस SIT से जानना चाह रहे थे। नाउ अब क्या हुआ है, अब ये इलेक्शन कमीशन ने, हमारा एक जो मेन इन्वेस्टिगेटर था, उन्होंने कोई बयान दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि बयान कोई किसी ऑफिसर को नहीं देना चाहिए, वो तो ठीक है, मैं समझता हूँ उनकी बात। लेकिन दूसरी बात कि ये इज द मेन इन्वेस्टिगेटर, और इन्वेस्टिगेशन एक बार चालू हो जाए, चाहे कोर्ट भी नहीं रोकता उसको, कोई भी नहीं रोक सकता, इन्वेस्टिगेशन मस्ट कम टू द एंड। और उस वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उससे उन्होंने उनको शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। आप कैसे ऐसी बात, जिससे टोटल आब हवा पंजाब की खराब हो रही थी, उसको आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहते। और हाई कोर्ट में गई थी बात, और हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन। अब इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन क्यों रोक सकता है? आप कह सकते हो कि ऑफिसर ने जो बयान दिया है वो गलत है और ऑफिसर्स को बयान नहीं देना चाहिए, बट यू कैन नॉट स्टॉप इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सच ए क्राइम जिससे पंजाब कई साल हमारी आब हवा खराब रही, एंड पीपल हैव बीन किल्ड। मर्डर जो 2 मर्डर हमारे लड़के उधर, उनका कत्ल हुआ है, वेदर इट इज मर्डर और इट्स नॉट अ मर्डर और पुलिस फायरिंग, ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। तो यू कॉन्ट स्टॉप के इन्वेस्टिगेशन टीम का आप काम बंद कर दो। सर, क्या इस मामले को लेके क्या सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे? क्योंकि नहीं, हम तो इसको इलेक्शन कमीशन वेरी सीरियसली, दिस कैन नॉट बी अलाउड। यू कैन नॉट इंटरफियर इन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट्स नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में, तो हाउ कैन द इलेक्शन कमीशन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन? यू कैन स्टॉप द ऑफिसर फ्रॉम टॉकिंग, बट यू कांट स्टॉप हिम द SIT फ्रॉम वर्किंग। और सर, पूरे मसले को लेकर जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल के बयान आ रहे हैं, कंट्रोल से स्टेटमेंट्स आ रही है, आप किस तरह? वो तो नेचुरली, बिकॉज इसमें तो फंसेंगे कौन? कौन थे जब फायरिंग का हुक्म हुआ? अकाली दल की गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर कौन था? प्रकाश सिंह बादल। होम मिनिस्टर कौन था? सुखबीर सिंह बादल। उनके ऑफिसर थे, सुमेध सैनी उनका DGP था। पता लगेगा, मैं तो नहीं अब कुछ कह सकता, मेरा काम है SIT को बनाना, SIT में कोई दखल देना वो मेरा काम नहीं है।
अब जो वो ढूंढेंगे, जो कुछ निकालेंगे, वो फिर कोर्ट में जाएंगे। बट ये इन्वेस्टिगेशन इज टू टेक इट टू द कोर्ट, टू जो अपनी कंक्लूजन, सक्सेसफुल कंक्लूजन के लिए। और अब कैसे इंटरफियर इलेक्शन कमीशन में कर सकते हैं?